प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया पाठ हिंदी व्याकरण के क्रिया पढ़ेंगे। हमारा नया पाठ है नौवा पाठ क्रिया। इसे इंग्लिश में हम वर्ब भी कहते हैं। तो आपने इंग्लिश में इसको वर्ब डूइंग वर्ड्स के नाम से भी जाना होगा। तो ये हिंदी में क्रिया, क्रिया शब्द किन्हें कहते हैं? जिस या जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का बोध होता है, बोध का अर्थ होता है पता चलता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आज हम अपना नौवां पाठ क्रिया को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग परिभाषा, मैंने आपको बताया है परिभाषा बहुत ही ज़रूरी है, आपको इसको याद करना होता है। तो हम पहले परिभाषा से ही शुरू करते हैं। और ये आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है, आपने क्रिया को अपनी दूसरी कक्षा में भी पढ़ा है। तो इसीलिए हम सीधे परिभाषा पे ही आते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम या किसी कार्य के होने का बोध हो, बोध का अर्थ फिर से बता देता हूँ, पता चलता है, हम उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ दौड़ रहे हैं क्रिया है। हमें किसका पता चलता है, किस क्रिया का पता चलता है? बच्चों के दौड़ने का पता चलता है। तो ये हमने क्रिया के बारे में जाना। तो परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं और परिभाषा को आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में भी लिखना है। तो शुरू करते हैं आज अपना नवा पाठ क्रिया। पाठ 9, क्रिया। हमारा नौवां पाठ क्रिया है। सबसे पहले मैं परिभाषा लिखता हूं। परीक्षा में कैसे आता है, क्रिया की परिभाषा लिखें, ऐसे करके आएगा, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो आपको उदाहरण भी एक देना होगा, या फिर ऐसे भी आ सकता है, क्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखें। तो दोनों प्रश्न एक ही हैं। अगर हम परिभाषा पूछ रहे हैं या फिर ये पूछ रहे हैं क्रिया किसे कहते हैं, तो दोनों एक ही प्रश्न है, कोई डरना नहीं है, दोनों का उत्तर एक ही है। तो हम लिखते हैं क्रिया की परिभाषा। क्रिया, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी काम के करने, जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने, कभी कभी काम पूरा हो जाता है तो होने भी लिखते हैं, या होने का पता चलता है, होने का पता चले उन्हें, उन्हें क्रिया कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। तो ये बच्चों हमारी परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, ये थी हमारी परिभाषा। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे उदाहरण, रवि
पढ़ रहा है। तो बच्चों पढ़ रहा है क्रिया है, पढ़ रहा है क्रिया है, यहां भी पढ़ रहा है क्रिया हम लिख सकते हैं। यहां पे पूरा वाक्य क्रिया नहीं है, रवि तो नाम है आपको पता चल ही गया है, रवि एक संज्ञा है, पढ़ रहा है एक क्रिया है, तो हम इसको लिख देते हैं क्रिया। यहां पे इस वाक्य में पढ़ रहा है क्रिया है, इसीलिए हमने उसके नीचे क्रिया लिखा। कभी कभी बच्चे वाक्य तो लिख देते हैं लेकिन वो नहीं बताते कि उस वाक्य में क्रिया कहाँ है, तो यह गलत चीज है। जब भी हम उदाहरण देते हैं तो हमें चाहिए कि उदाहरण सटीक दें ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पढ़ रहा है यह क्रिया है, रवि नहीं है क्रिया, रवि आपको पता है, रवि एक बच्चे का नाम है, नाम संज्ञा होता है। तो हम जब भी उदाहरण लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, अगर शब्द में लिखना है एक हमने वाक्य में उदाहरण दिया, अगर आपको शब्द में लिखना तो दौड़ना खेलना पढ़ना ये सब क्रिया है, नहाना सोना भी क्रिया है, भले काम कोई नहीं कर रहा सोने का काम कर रहा है, काम तो है सोना क्रिया कर रहा है। तो ये थे क्रिया वाले शब्द, हंसना खेलना कूदना गिरना उठना दौड़ना बैठना ये सारे क्रिया। तो इन शब्द से हमें पता चलता है कि काम करने या होने का पता चलता है। जैसे रवि भागा, इसमें क्या पता चला, भागा से हमें पता है भाग चुका है, काम होने का पता चलता है, करने या होने का, भागने का काम हो चुका है। तो याद रखना काम करने या होने का। रवि नहाया मतलब वह नहा चुका है, तो नहाने का जो क्रिया है वो पूरा हो चुका है, तो इसीलिए इसको समझ लेते हैं दोनों का। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। काम करने का, जैसे हमें यहाँ पे काम करने का पता चल रहा है, रवि पढ़ रहा है, रवि नहाया तो नहाने का काम पूरा हो चुका है, तो काम होने का पता चला, इसलिए नहाया शब्द एक क्रिया है। अब हमें समझ आ गया कि क्रिया से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो अब हम जान गए, पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, मैं चाहूँगा कि उसको मैं वाक्य के अनुसार लिखूँ। तो आप उदाहरण जब भी देंगे परिभाषा के साथ, अगर आप वाक्य लिख के उदाहरण दे रहे हैं तो वाक्य में क्रिया वाले भाग को आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी लिखा, मैंने वाक्य पूरा लिखा है रवि पढ़ रहा है, तो इसके अंदर पढ़ रहा है क्रिया है, पढ़ रहा है वह क्रिया है। यहाँ से ही हमें पता चला कि काम होने का पता चला, काम करने का पता चला, इसीलिए क्रिया है, रवि क्रिया नहीं है, मैंने रवि के नीचे रेखा नहीं खींची है, लाइन नहीं खींची है, क्यों, क्योंकि रवि तो संज्ञा है, पढ़ रहा है क्रिया है। अब मेरे ख्याल से अब आपको पूरी तरह से क्रिया का उदाहरण भी समझ आ गया। अगर आप शब्दों से उदाहरण देना चाहते, अभी तो ये वाक्य का उदाहरण है, तो आप लिख सकते हो सोना दौड़ना खाना कूदना बोलना गाना हंसना ये सारे क्रिया ही हैं। तो अगर एक ही सही या फिर एक उदाहरण आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रोना हंसना दौड़ना भागना
खाना, नहाना आदि। आदि मतलब ये जो सूची है बहुत सारे इस क्रिया के शब्द हैं, केवल हमने दो ही लिखे, रोना और हंसना लिखा, ये भी क्रिया में है। तो जब हम आदि लिखते हैं इसका मतलब होता है कि केवल यही दो क्रिया नहीं है, शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन हम समय के कारण या जगत के कारण केवल दो ही उदाहरण दे रहे हैं, हम सभी क्रिया को नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए आदि हमने पीछे जोड़ दिया कि हम केवल दो ही क्रिया का उदाहरण लिख रहे हैं। तो बच्चों अब हम एक दो पुस्तक के उदाहरण देख लेते हैं। आप अपनी जो हिंदी की व्याकरण की पुस्तक है उसको निकाल लीजिए, उसको भी साथ में रखें। तो हमारी पुस्तक क्या है फिर से मैं बता देता हूँ, सैवी हिंदी व्याकरण दीपिका भाग तीन, क्योंकि ये कक्षा तीन के लिए है तो इसीलिए इसका नाम है सैवी हिंदी व्याकरण दीपिका भाग तीन। तो इसका आठवां जो नौवां पाठ है क्रिया, आप उसको खोल लीजिए, आपको मैं कुछ उदाहरण पढ़ रहा हूँ, आप साथ साथ देखते भी जाइए क्योंकि हम बुक के उदाहरण भी नहीं छोड़ेंगे, और ये चित्र के साथ दिया है तो क्रिया वाले में हमें और अच्छा ज्ञान हो जाए। चित्र के साथ धोबी कपड़े धो रहा है, तो यहाँ पे चित्र भी देखते जाइए आप साथ में, शायद ऐसे दिखाने से आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन सा पेज निकाल के रखा हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि धोबी जो है वो कपड़े धो रहा है, तो धो रहा है यह क्रिया है, इसमें धोबी कपड़े धो रहा है, धोने का काम कैसे पता चला, धो रहा है तो पूरा वाक्य क्रिया नहीं है, धोबी आपको पता है धोबी नाम है संज्ञा में आएगा, कपड़े वस्तु है तो धो रहा है क्रिया है, इसीलिए इसको नीले रंग में लिखा गया है, इस कारण से इसे नीले रंग में लिखा गया है। अगला है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पढ़ने का काम पता चला, अखबार पढ़ने का काम पता चला, तो पढ़ रहे हैं क्रिया है। अब हम क्रिया धीरे धीरे पहचानते जा रहे हैं, अब हम वाक्य में भी क्रिया पहचान जा रहे हैं। मदन नहा रहा है, तो नहा रहा है क्रिया है, इससे हमें पता चला कि नहाने का काम हो रहा है। चित्र में भी आप देख रहे हो शावर है, शावर के नीचे मदन खड़ा हुआ है और नहा रहा है, तो नहा रहा है क्रिया है। मदन तो एक लड़के का नाम है, मदन संज्ञा है, तो इस वाक्य में मदन नहा रहा है क्रिया है। हम अपने चौथे चित्र पे चलते हैं, चौथे चित्र पे तोता मिर्च खा रहा है, आपने देखा तोता के मुंह में मिर्च है और वह मिर्च को खा रहा है, तो इस वाक्य में तोता मिर्च खा रहा है क्रिया है। यहाँ पे हमें तोते द्वारा मिर्ची खाए जाने का पता चल रहा है, तो खा रहा है क्रिया है, खा रहा है क्रिया है। अगला है बस्ते में किताबें हैं, इसको जरा ध्यान से देखना है, अब हैं वाले शब्द भी मैं आपको बीच में बता देता हूँ, हैं का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, जब कोई वस्तु एक से अधिक होती है बहुवचन में होती है, किताबें जैसे बस्ते में किताबें हैं, मतलब एक से अधिक किताबें हैं, तो बहुवचन के साथ हम लोग हैं लिखते हैं, आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब आपको परेशानी हो रही होगी, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें पिताजी तो एक ही है, तो हमने हैं क्यों लगाया, हमने हैं बच्चों इसीलिए लगाया क्योंकि हम सम्मान देने के लिए भी हैं का प्रयोग करते हैं, तो आपको ये वाली जो दुविधा थी वो अब खत्म हो गई होगी। बस्ते में किताबें हैं, तो यहाँ पे हैं क्या है, क्रिया किताबें, और बस्ते तो संज्ञा है, हैं क्या है क्रिया, हैं हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि किताबें बहुवचन में हैं, एक से अधिक किताबें हैं, बहुवचन के साथ हम हैं का प्रयोग करते हैं,
बहुवचन के साथ हम हैं का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं और पिताजी के साथ हमने हैं का क्यों प्रयोग किया फिर से आपको एक बार बता देते हैं। सम्मान देने के लिए, अपने से बड़े के लिए, बुजुर्ग के लिए, जिनकी आयु हमसे बड़ी है, चाहे वो माता पिता या आपके शिक्षक हों, आपके बुजुर्ग हों, उन सबके साथ सम्मान देने के लिए हम हैं का बहुवचन में प्रयोग करते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी एक हैं, फिर भी हम हैं लगा रहे हैं पिताजी को सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए। अब आपने क्या देखा, अब आप वाक्य में से क्रिया पहचान गए। हमने बहुत से वाक्य लिखे जो पाठ्य पुस्तक के पढ़े, उसमें अब आप आसानी से पहचान जा रहे हैं कि क्रिया क्या है। हमने परिभाषा भी लिखी, परिभाषा क्या थी फिर से एक बार हम इसको पढ़ देते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। तो हम क्रिया वो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो क्रिया वो शब्द होते हैं जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। रवि पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है क्रिया है, क्योंकि यहां पढ़ाई किए जाने का पता चल रहा है। हम शब्द से भी उदाहरण दे सकते हैं, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं हैं। तो हम ऐसे भी उदाहरण दे सकते हैं। अगर वाक्य में हम उदाहरण देते हैं तो हमें वाक्य में क्रिया को अंडरलाइन करना है, रेखा उसके नीचे रेखा खींचनी है और बताना है कि ये क्रिया है, नहीं तो बच्चों लगेगा कि पूरा वाक्य ही क्रिया है, जो कि सही नहीं है। रवि पढ़ रहा है, ये तो एक वाक्य है, अब हमें इसमें क्रिया बताना पड़ रहा है कि पढ़ रहा है यह क्रिया है, नहीं तो लगेगा पूरा वाक्य ही क्रिया है, जो कि सही नहीं है। तो अब आप जान गए। अब हम कुछ क्रिया शब्दों को देख लेते हैं चित्रों की सहायता से। तो जब हम चित्र और शब्द दोनों पढ़ते हैं तो हमें अच्छा ज्ञान होता है। इसीलिए जब भी क्रिया पढ़ाया जाता है, आपने वर्ब इंग्लिश में भी पढ़ा है, मैडम ने जरूर चित्र दिखाया है। क्यों? क्योंकि इससे हमें अच्छी तरह से समझ आ जाता है। क्रिया क्या होता है, किसी काम के करने या होने का पता चलता है। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, तो कौन सा काम हो रहा है आपको अगर दिखाया भी जाए और लिख के भी दिखाया जाए, तो जिसका चित्र भी हो और शब्द में भी लिखा हो, तो ज़्यादा अच्छी तरह से हमें याद रहता है और पढ़ने में भी मज़ा आता। तो हम शुरू करते हैं चित्र से आपको बताना। आप इस पेज को खोल ले रहे, क्योंकि हमें बुक के भी जो उदाहरण हैं उनको भी लेके चलना है ना। तो शुरू करते हैं। पहला है खाना। इस चित्र में हम देख रहे हैं खाना एक क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। अब इसमें यार ध्यान देना, खाना तो खाने की चीज़ क्या हो सकती है? रोटी हो सकती, रोटी तो संज्ञा हो गई, लेकिन खाना खा लेनी लेना एक क्रिया है। तो इससे कोई किसी को संदेह ना हो कि खाना यहाँ पे संज्ञा नहीं है, यहाँ पे खाना हम खा लेने की बात कर रहे हैं, एक क्रिया का शब्द है। खाना संज्ञा यहाँ नहीं है, संज्ञा नहीं है ये, बल्कि खाना यहाँ पे खा लेने की क्रिया के बारे में बता रहा है। रोना, रोना भी एक क्रिया है। पढ़ना, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की क्रिया की जा रही है। अभी क्या हो रहा है इसमें, आप पढ़ रहे हैं वीडियो देखते हुए, तो किस चीज़ की क्रिया अभी साथ साथ हो रही है? पढ़ने की। तो पढ़ना भी एक क्रिया है। हंसना, हंसना भी क्रिया है। मैंने बताया था हंसना, रोना, उठना, बैठना, दौड़ना, रुकना, ये सब क्रिया ही है। अगला है जागना, सोना। अब देखो, कईयों को लग सकता है कि सोने में क्या काम कर रहे हैं भाई, हम तो सो रहे हैं,
सोने में क्या काम? अरे सोना भी एक क्रिया है, सोना भी एक क्रिया है, जागना भी। अब आप जागते हो ये भी एक क्रिया है, आप उठ के आंखें खुल जाती हैं, उठ के बैठ जाते हो, तो ये उठना भी एक क्रिया है, सोना भी एक क्रिया है, चलना, गिरना, पीना, उड़ना, बहुत से उदाहरण दिए रखे। देखो चिड़िया उड़ती है, एक लड़का दिया है पानी पी रहा है, तो पानी तो संज्ञा है, पीना क्रिया है, बैठना, दौड़ना, खेलना, कूदना, नाचना, लिखना, पढ़ना, भौंकना, तैरना, पकाना, देना, किसी को कोई वस्तु देना भी एक क्रिया है। तो हमने क्रिया शब्दों को चित्रों के साथ देखा तो ये हमें बहुत ज़्यादा रोचक लगा। अब बहुत तेज़ी से हम लोग इसको याद हो रहा है, हमने क्या देखा कि अब तो बड़ी जल्दी जल्दी याद हो रहा है, तो इसीलिए चित्र बनाए जाते हैं ताकि हम क्रिया को और अच्छी तरह से समझ जाएं। तो खाना, यहाँ पे खाने का जो चित्र है बच्चों, उसमें एक बच्चा थाली से चम्मच की सहायता से खाना खा रहा, तो यहाँ खाना एक क्रिया है जिसमें वह भोजन को चम्मच में उठा के खा रहा है, तो खाना क्रिया है। कोई बच्चा ये ना समझे कि खाना संज्ञा होगी, संज्ञा नहीं है, खाना एक क्रिया है। तो अब आ जाते हैं रोना, पढ़ना, हंसना, जागना, सोना, चलना, गिरना। आप अपनी व्याकरण की पुस्तक का पेज नंबर 33 को हिंदी में 33 कहा जाता है, उसको खोल लीजिए और देखते जाइए सारे चित्रों को। और मैं पढ़ रहा हूँ, आपका ध्यान बुक पे होना चाहिए। क्रिया, कुछ क्रिया शब्द, ये कुछ शब्द दे रखे हैं वो क्रिया के लिए हैं, कौन कौन से हैं मैं पहला पढ़ता हूँ। खाना, रोना, पढ़ना, हंसना, जागना, सोना, चलना, गिरना, गिर जाना, कोई आदमी फिसल के गिर गया। देखो इसमें एक व्यक्ति है, शायद केले का छिलका था उसके ऊपर उसका पैर पड़ा और वो गिर गया। गिरना, गिरने से भी एक क्रिया हो रही, हमें गिरना भी एक क्रिया के लिए ही शब्द है, कोई गिरने का काम हो रहा है। यहाँ पे किसका काम हो रहा है? गिरने का। पीना, उड़ना, चिड़िया उड़ती है आपने देखा है, वो भी क्रिया है। बैठना भी क्रिया होता है। दौड़ना, खेलना, कूदना, नाचना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं हैं जिसमें किसी काम के करने का, काम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नाचना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है, पढ़ना भी एक काम है, बोलना भी एक काम है। तो आपको कोई संदेह नहीं रहे, जिस चीज़ से भी हमें किसी भी काम के, गिरना भी, जैसे मैंने आपको बोला गिर रहा है, तो इसमें ना चाहते हुए भी व्यक्ति गिर रहा है, तो गिरना एक क्रिया है हिंदी के हिसाब से, कोई काम हो रहा है, गिरने का काम हो रहा है, गिरने का काम किया जा रहा है या गिरने का काम हो रहा है, हम कहेंगे। गिरना तो चाह के नहीं कर रहा है व्यक्ति, गिर रहा है, तो गिरने का काम होना भी एक क्रिया है। भौंकना, कुत्ता भौंकता है तो भौंकना भी एक क्रिया है। तैरना, पकाना, देना, आपकी माँ खाना पकाती है तो खाना पकाना एक क्रिया होता है। हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो वो भी क्रिया है, और जो व्यक्ति ले रहा है वह भी क्रिया कर रहा है, क्या लेने की क्रिया कर रहा है। आपने देने की क्रिया की और उसने लेने की क्रिया की, तो देखो बच्चों, तो देना लेना भी क्रिया के शब्द। तो जो भी शब्द से हमें कोई काम के होने या करने का पता चलता है वह क्रिया कहलाए। तो बहुत ही आसान है, आपने इसको पढ़ भी रखा है इसीलिए आपको समझने में कोई परेशानी नहीं। तो अब एक दो एक मैं उदाहरण आपको बताता हूँ, इसमें मैं कुछ वाक्य देता हूँ और आपको
पता करना होगा कि वाक्य में क्रिया क्या है। जैसे कि हमने इसमें उदाहरण दे ही दिया आपको, एक वाक्य और मैं लिख रहा हूं, आपकी आप वाक्य में से भी क्रिया को पहचान सके, वाक्य में से भी हमें क्रिया को पहचानना है। ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण मैं इधर लिख देता हूं, मछली तैरती है, मछली जल में, जल भी लिख देते, मछली जल में तैरती है। हमारा वाक्य है, एक बार फिर से ध्यान से इसको देख लेना, मछली जल में तैरती है। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? तैरने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? मछली। मछली कहाँ? जल में। जल भी क्या है? संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है ना। मछली किसी जीव का नाम है ना, तो मछली और जल संज्ञा है। तैरती है ये क्रिया, ये क्रिया है। तो बच्चों मछली जल में तैरती है, ये क्या है? क्रिया है। मछली जल में तैरती है क्रिया। तो आपने वाक्य में से भी पहचान लिया, अब हम वाक्य में से भी क्रिया को पहचान सकते हैं। केवल कुछ शब्दों से भी हम पहचान जाते हैं कि ये क्रिया का शब्द है, हंसना चलना रोना बैठना उछलना कूदना नाचना, ये सभी क्रिया है। अब वाक्य में भी हम क्रिया शब्दों को पहचान ले रहे हैं। तो ये था हमारा वाक्य में क्रिया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, रवि पढ़ रहा है, तो पढ़े जाने की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है बच्चों? पढ़ने की क्रिया। पढ़ना भी एक क्रिया है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाई करने का काम हो रहा है। तो पढ़ रहा है क्रिया है। हमें जब भी वाक्य लिखेंगे और हमें क्रिया बताना होगा तो हमें क्रिया के शब्दों को अलग से लाइन खींच के, रेखा खींच के उसके नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा उदाहरण गलत हो जाएगा। जब भी हम उदाहरण देते हैं तो हमें, अगर हम वाक्य में उदाहरण दे रहे हैं तो हमें उसके नीचे क्रिया वाले शब्द को रेखांकित करना है, उसके नीचे रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है, ताकि हमें स्पष्ट हो जाए कि इसमें क्रिया शब्द कौन सा है। रवि संज्ञा है, पढ़ रहा है क्रिया है। ठीक उसी तरह हमारा दूसरा उदाहरण है, मछली जल में तैरती है, ये वाक्य है, इसमें क्रिया का शब्द है तैरती है। यहाँ तैरने का क्रिया चल रहा है। कौन क्रिया चल रहा है? तैरे जाने का, पानी में तैरे जाने का क्रिया चल रहा है। तो मछली और जल संज्ञा हो गया। हमने नहीं लिखा में मदद कर रहा है, क्रिया केवल है तैरती है, तैरती है क्रिया शब्द, तैरती है क्या है? क्रिया। तो ये आज हमने क्या किया बच्चों? अब आज का काम आपका गृह कार्य नोट कर लो, आपको ये परिभाषा लिख करके उदाहरण के साथ लिखनी है और याद करना। आप उदाहरण शब्दों में भी दे सकते हैं, जैसे दौड़ना, खाना, खेलना, कूदना आदि। तो आपको इसको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। याद करना भी गृह कार्य होता है। तो आज के लिए इतना है, शेष को हम कल करेंगे।